न्यू टॉपिक्स आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ टू मेक कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। चलिए, मान लो कि किसी बिजनेस में एक सिंगल ओनर है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर। सिंगल ओनर है अगर तो उसे क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप पे जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो प्रोप्राइटर के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्या अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब वहां पे सिंगल ओनर है तो सिंगल ओनर जो पैसा है बिजनेस का कमाया हुआ वो सब सिंगल ओनर के खाते में चला जाता है। अब वो सिंगल ओनर जब चाहे अपने कैपिटल से पैसा निकाले, पैसा नहीं निकाले, वो उसकी मर्जी। अब जैसे अब जो हमारा टॉपिक है, स्टैंडर्ड 12th में हम लोगों को पार्टनरशिप, पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो हम लोग हर पार्टनर के लिए एक कॉलम बनाएंगे। जैसे ये, जैसे मान लो दो पार्टनर है तो दो पार्टनर के लिए दो कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, रुपीज का कॉलम। ठीक है, अब सपोज करो एक ए है पार्टनर और एक बी है पार्टनर। ठीक है, ये है उसका कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी ने अगर बिजनेस में 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, सब लोग बताइए। ए और बी ने अगर 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी का मतलब फर्म हो गया, आगे लगा देते हैं मेसर्स, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ए एंड बी एसोसिएट्स। ये हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का नाम है। तो ए और बी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, क्या जर्नल एंट्री होगा, ए 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, बी 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, क्या जर्नल एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश फर्म ऑन अकाउंट डेबिट टू, टू कैश टू कैपिटल अकाउंट। या तो बैंक अकाउंट होगा, जब बैंक के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो बैंक अकाउंट, नहीं तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू इज कैपिटल। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे, 2 लाख रुपया। ठीक है, ये तो सिंपल जर्नल एंट्री 11th क्लास में भी सीखे थे। एक ओनर होता तो 2A's कैपिटल बस हो जाता, लेकिन यहाँ पे दो ओनर है इसलिए दोनों के कैपिटल को क्रेडिट किया। ए ने जितना इन्वेस्ट किया ए के कैपिटल में, बी ने जितना इन्वेस्ट किया बी के कैपिटल में। ठीक है, अब मान लो कि बिजनेस से 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, बिजनेस से 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, तो ये 1 लाख रुपया पे किन का हक है, सिर्फ ए का हक है या ए और बी दोनों का हक है। एक दोनों का, ए और बी दोनों का हक। दोनों आप लोग माइक अनम्यूट करके ही रखो का। ओके सर, और साथ साथ जैसे क्वेश्चन पूछेंगे बताते जाओगे। तो इस प्रॉफिट पे ए एंड बी दोनों का अधिकार है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप बताओ किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस प्रॉफिट को ये दोनों पार्टनर बांटेगा। इक्वल प्रॉफिट, क्योंकि कल हम लोग प्रोविजन पढ़े थे, इन द एब्सेंस ऑफ डेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इक्वली। तो ये प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का, ये जो प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर में इक्वली बढ़ जाएगा। तो इस प्रॉफिट को बांटना है अगर, तो हमें हमारे किसको देना है, ए को देना है 50,000 और बी को देना है 50,000। 1 लाख का इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ए और बी में तो दोनों के खाते में कितना जाएगा, 50,000 और 50,000।
अच्छा, अब ए के लिए हम लोगों ने क्या अकाउंट ओपन किया था और बी के लिए हम लोगों ने क्या अकाउंट ओपन किया था, जरा बताइए। ए ओनर है तो ए के लिए हमने एक अकाउंट ओपन किया है और बी के लिए भी हमने एक अकाउंट ओपन किया है, उस अकाउंट का नाम क्या है? इज कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल बाय नेचर क्रेडिट होता है, यानी कैपिटल को हमें इंक्रीज करना है तो कैपिटल को हमें क्रेडिट करना पड़ता है, और कैपिटल से अगर हमें माइनस करना है अमाउंट तो कैपिटल को हमें डेबिट करना होता है। अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा या उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस घटेगा, बताइए? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अगर कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस हमें बढ़ाना है ए और बी का 50,000 से, तो दैट मींस हमें टू एज कैपिटल, यानी ए के कैपिटल को क्रेडिट करना होगा, टू एज कैपिटल 50,000, टू बी कैपिटल 50,000, ठीक है। और डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट पीएल अकाउंट को करेंगे, पीएल अकाउंट को करेंगे, और पीएल अकाउंट क्लिक कर यहाँ पे काट दो, पीएल अकाउंट को नहीं करेंगे, पीएल के जैसा ही एक्सटेंशन करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट लिख के इसलिए कटवाए ताकि आपको याद रहे कि ये पार्टनर से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का। तो पार्टनर के आपस में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन। और वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं पीएल का एक्सटेंशन है ये। जैसे हम लोग 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए और ट्रेडिंग का एक्सटेंशन यानी ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसको कहाँ लेके जाते थे? ब्रॉट डाउन पीएल में। अब पीएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा उसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर लेंगे और एक्सटेंड करके उसको ले जाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमारा ये 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट आया है, 1,00,000 रुपए का, तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया है उसको हमें भेज देना है पार्टनर के कैपिटल में। दैट मींस पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट बचा, जो भी प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल, वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएल, वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में बैलेंस क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या ये वाला एंट्रीज किसको किसको समझ में नहीं आया? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, 1,00,000 रुपया जो प्रॉफिट आया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एप्रोप्रिएट किया बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिए 1,00,000 रुपया, और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिए जिनको जितना मिलना है उतने अमाउंट से। बोलो किसको किसको नहीं समझ में आई ये जर्नल एंट्री? ये एक नंबर हमको ऊपर पीएल एप्रोप्रिएशन में जैसे नेट प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, अभी पीएल एप्रोप्रिएशन लेजर बनाना जब बताएंगे तो और बताएंगे। तो ये 1,00,000 रुपया जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आया है, इसी 1,00,000 रुपया को हमें ट्रांसफर करना है ना, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में अगर लिख रहे हैं टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, दैट मीन्स की ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? डेबिट हो रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री हमने पास किया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग कॉपी में दो जर्नल एंट्री लिखो, और नंबर वन का एंट्री होगा फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर कैपिटल। ये पार्टनर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने कैपिटल के रूप में तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कैश या बैंक के अलावा मान लो कोई एसेट लेकर आ रहा है पार्टनर, तो वो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एक पहला एंट्री हम लोग सीखे, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बोलो एक नंबर एंट्री सबको समझ में आया? यस सर। कॉपी में नोट करते जाइए। टू नंबर एंट्री, दूसरा नंबर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, और कॉपी को
फोल्ड करके नोट करोगे। जैसे ये कॉपी है, अगर ये अगर कॉपी है तो कॉपी को बीच से फोल्ड कर दोगे इस तरीके से, और जो भी जर्नल एंट्री अभी लिखवा रहे वो फर्स्ट हाफ में नोट करोगे और फर्स्ट हाफ लेफ्ट छोड़ दोगे। क्योंकि अभी आगे बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप में दो तरह से मेंटेन होता है, इसलिए बीच से फोल्ड करो। तो फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर कैपिटल ये जर्नल एंट्री होगा, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये एंट्री पास होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। नोट कर लिए, नोट कर लिए तो हम डिलीट कर रहे हैं। Now, next, number third. कभी कभी पार्टनर को फर्म से सैलरी मिलता है, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, ए दिन भर मार्केट में घूम घूम कर माल बेचता है और ए बदले में चाहता है कि उसे उसके बदले घूम घूम कर माल बेचने के बदले उसे एक्स्ट्रा कुछ सैलरी मिले, तो उसके लिए ए को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट, सबसे पहले उसे एग्रीमेंट में इंक्लूड करवाना होगा एक क्लाउज कि ए को सैलरी मिलेगा फर्म से, जितना भी सैलरी वो उसको मिलना है वो फर्म इंक्लूड करवाएगा एग्रीमेंट में। तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी देना है तो पहले हम लोग ड्यू की एंट्री पास करेंगे। ड्यू का मतलब कि हमने अभी अपनी पार्टनर को बोला है कि आपके अकाउंट में हमने सैलरी ट्रांसफर कर दिया, यानी आपके कैपिटल अकाउंट में हमने सैलरी को क्रेडिट कर दिया। अब आपके कैपिटल में आपका सैलरी क्रेडिट हो गया है, आप जब चाहे उस सैलरी को विड्रॉ कर सकते हैं, या नहीं करने का मन है, बिजनेस में रहने देने का मन है तो आप रहने दीजिए बिजनेस में। तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो पहले इसमें ए एट द टाइम ऑफ सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन, यानी पार्टनर को कुछ भी देना है, चाहे सैलरी देना है, चाहे रेम्यूनरेशन देना है, चाहे कमीशन देना है, तो पहले हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन ड्यू टू एनी पार्टनर, तो लोग कॉपी में नोट करते जाओगे, मेरे पास कोई किताब नहीं है तो हम पूछेंगे कि कौन कौन सा एंट्री हमने बताया है, तो तुम लोग बताओगे ताकि कोई एंट्री छूट ना जाए। एट द टाइम ऑफ सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन ड्यू टू एनी पार्टनर, उस वक्त हम लोग एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्म के लिए सैलरी एक खर्च है, और खर्चे को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं। ओप्पो Y17 बताइए आप, सैलरी अकाउंट डेबिट किसको देना है, सैलरी किसको पे करना है, पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर जिसको भी देना है, जैसे ए को देना है सैलरी तो टू एस कैपिटल देना है सैलरी, अब ये नहीं बोल रहे सैलरी दे दिए तो टू एस कैपिटल अकाउंट, बी को भी देना है सैलरी तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। कौन है ओप्पो F17? सर भावना। और भावना हो, और कौन कौन है? यस सर, आर्यन है, हर्षवर्धन है, क्रिस सिन्हा है, मंजीत है, और कौन है, सुरखाब है, और चलो ठीक है। अब
अब ये सैलरी जो है फर्म ने अपने सैलरी को डेबिट कर दिया, खर्चा को डेबिट कर दिया और पार्टनर के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया। जैसे मान लो ए को मिला है 1,00,000 रुपया सैलरी पूरे साल का और बी को मिला है 1,00,000 रुपया सैलरी पूरे साल का, यानी उसके कैपिटल में 1,00,000 रुपया ट्रांसफर हो गया, क्रेडिट हो गया और फर्म पूरा सैलरी पे किया है पार्टनर को 2,00,000। अब ये ए अपने 1,00,000 रुपये में से चाहे तो वो पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है सैलरी का, या चाहे तो वो थोड़ा विड्रॉ कर सकता है, थोड़ा रहने दे सकता है फर्म में ही, ये जब जरूरत पड़ेगा तब निकालेंगे, तो वो उसका प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वेश्चन में दे देगा। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि सैलरी ड्यू टू पार्टनर एंड पार्टनर हैज विड्रॉन द सैलरी, तो पार्टनर ने अगर सैलरी विड्रॉ किया है तो उसका सैलरी कौन से अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था, हमने उसके सैलरी को किस अकाउंट में डाल दिया था, उसके कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट सर। अगर कोई पार्टनर अब सैलरी विड्रॉ करेगा तो वो उसके अपने कैपिटल को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ए ने अगर अपना सैलरी विड्रॉ किया तो अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये क्वेश्चन में जब भेंट होगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में जब ये सब टॉपिक्स भेंट होगा तो उस समय इस टॉपिक को डील कर देंगे, बट अभी बता दिए आप लोग को समझाने के लिए कि ऐसा होगा। अब यहाँ पे ये जो सैलरी है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये जो सैलरी है एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इस सैलरी को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। सैलरी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में। पीएल में तो स्टाफ का सैलरी जाता है, क्योंकि स्टाफ का सैलरी खर्चा होता है बिजनेस, पीएल एप्रोप्रिएशन सर। तो ये सैलरी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। सुरखाव समझ में आ रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए सैलरी को ट्रांसफर करना है तो सैलरी डेबिट बैलेंस है, डेबिट नेचर है, इसको ट्रांसफर करना है तो सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे टू सैलरी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी, ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये जो जर्नल एंट्री अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये जर्नल एंट्री डिस्कस करने से आप दो चीज सीख जाओगे अभी साथ साथ, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना और दूसरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सारे जर्नल नोट करते जा रहे हो? यस सर। चलो ओके। अब कभी कभी पार्टनर को फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर पे करना है तो वैसे ही पे करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल में पहले क्रेडिट कर देंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो बताओ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर, क्या एंट्री होगा? पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, ड्यू क्या है, ड्यू की एंट्री क्या पास करेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू होगा किसी पार्टनर को तो उस वक्त क्या एंट्री पास करेंगे, बोलो सुरखाव। पहले तो ये सोचो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है या फर्म को पार्टनर से लेना है। फर्म को देना होगा, सॉरी फर्म से लेगा। फर्म से लेगा, कौन लेगा, पार्टनर लेगा यानी फर्म देगा। तो फर्म अगर कैपिटल देना है फर्म के द्वारा, वो एक क्या है, एक प्रकार का लॉस है फर्म के लिए। फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है पार्टनर को तो एक प्रकार के लिए फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, डेबिट करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। जिस पार्टनर को देना है उस पार्टनर के कैपिटल में क्या कर देंगे, इसको टू कैपिटल ऑफ कंसर्न्ड पार्टनर, कैपिटल टू कैपिटल ऑफ कंसर्न्ड पार्टनर। कंसर्न्ड पार्टनर का मतलब ए को देना है तो ए कैपिटल, बी को देना है तो बी कैपिटल।
समझ में आ गया? हाँ सर। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल में, पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कॉपी में जो लोग जर्नल एंट्री लिखे हो सब लोग फोटो सेंड करो तुरंत। जो अभी लिखे सर? हाँ अभी जो लिखवाए हैं कॉपी में। अभी क्या बोले थे, ये जर्नल एंट्री आपको लिखना है? सर लिख रहे सर। चार एंट्री हुआ, डिलीट कर रहे इसको, डिलीट कर दें। यस सर। पांचवा एंट्री, जैसे नंबर वन पहला एंट्री क्या था कि पार्टनर्स ने पैसा इंट्रोड्यूस किया फर्म में, तो फर्म में पैसा आया या फर्म से पैसा बाहर गया? जल्दी बताओ। पैसा आया सर फर्म में। तो उस वक्त क्या एंट्री पास किए थे, जब पैसा फर्म में आया तो उस वक्त हम लोग क्या एंट्री? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल कंसर्न। अब यस सर, इफ एनी पार्टनर विड्रॉज कैश और समथिंग, या तो कैश विड्रॉ किया या कुछ फर्म से जाकर ले लिया कैश के बदले, कोई सामान उठा कर ले गया घर। तो इफ एनी पार्टनर विड्रॉज कैश और समथिंग फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तो देखो जब कोई पार्टनर या ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स, और उस केस में हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं। कैश विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर ए ने ड्रॉ किया तो ए इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये ड्रॉइंग उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करता है? अगर कोई पार्टनर अपना इंट्रोड्यूस किया हुआ पैसा बिजनेस से वापस विड्रॉ कर लेता है तो उस पार्टनर का कैपिटल क्या करेगा? इंक्रीज कोई बोल रहा है, कोई डिक्रीज कैसे होगा जब विड्रॉ कर रहा है तो? कौन बोला इंक्रीज करेगा? जब विड्रॉ कर लिया तो फिर डिक्रीज होगा। कौन बोला इंक्रीज करेगा? तुमको, तुमने अपने पर्स में पैसा डाला और फिर बाजार में जाकर उस पर्स में से पैसे को निकाल कर कुछ खरीदा तो तुम्हारे पर्स में पैसा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जो इंक्रीज बोला था उस वही आंसर देना। देखो अब शांति से सो गया, इसीलिए बोलते कैमरा ऑन करके रखा करो, आ नहीं तो कल से हम एंट्री नहीं, आप लोग मत एंटर कीजिए। एज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां तक क्लियर है? अब ये ड्रॉइंग्स क्योंकि कैपिटल को हमारे रिड्यूस करेगा जो भी पार्टनर है, तो हम इस ड्रॉइंग को कैपिटल में, कैपिटल से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। यानी एक एंट्री के द्वारा भी कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, लेकिन जर्नल एंट्री हमें आना जरूरी है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। जर्नल एंट्री अगर आपको समझ में आया हुआ है, जर्नल एंट्री अगर आप जानते हैं तो आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलो या कैपिटल अकाउंट बोलो, कोई भी अकाउंट बोलो, बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये एज ड्रॉइंग अकाउंट को हम जिस पार्टनर ने भी ए ने अपना ड्रॉ किया है कैपिटल से, तो इस ड्रॉइंग को हम उसके कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे। यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू ए इज ड्रॉइंग। अब सब लोग ध्यान से देखो, ये दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो ए इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और ए इज ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट कैंसिल। इसके बदले एक सिंगल अल्टरनेटिव एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त, क्योंकि ये ड्रॉइंग डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, और क्योंकि इस ड्रॉइंग को कैपिटल से रिड्यूस करने के लिए हमने एक एंट्री पास किया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग ड्रॉइंग कैंसिल हो गया, तो हम एक सीधा एंट्री पास कर सकते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधा सिंपली एक एंट्री पास कर दिए, कैपिटल को डेबिट कर दिए और कैश को क्रेडिट कर दिए। तो इफ एनी पार्टनर विड्रॉज, इफ एनी पार्टनर विड्रॉज कैश और समथिंग फॉर हिज पर्सनल यूज, वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो आप या तो इन दोनों एंट्री को पास करो और उसका पोस्टिंग करोगे लेजर में, या फिर इन दोनों एंट्री के बदले एक एंट्री पास करोगे और इसका पोस्टिंग करोगे लेजर में, काम हो गया। तो पांच जर्नल एंट्री अभी हम लोग डिस्कस किए। हाँ, डेबिट और क्रेडिट में सर कैंसिल हुआ। हाँ, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो बचा ना ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी समझ में आया, इसलिए कैंसिल हो गया। हाँ, समझ में आया। यस सर, यस सर। ठीक है, अब हम लोग अभी सीखे कि कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे पार्टनर्स के तो ये सब सारे जर्नल एंट्रीज यूज होंगे। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट जब पार्टनर मेंटेन करता है तो वो पार्टनर दो तरीके से कैपिटल को मेंटेन कर सकता है। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं एक को। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस उनका बढ़ता घटता रहेगा, उनके कैपिटल में अगर कुछ ऐड होगा तो उनका कैपिटल सीधे बढ़ेगा, और कैपिटल से अगर कुछ माइनस होगा तो उनका कैपिटल का बैलेंस घटेगा। क्या प्लस या माइनस होगा, तो पार्टनर्स जो अर्न कर रहा है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो वो उसके कैपिटल में क्रेडिट होगा, यानी कैपिटल का इंक्रीज होगा बैलेंस। तो अभी जितना जर्नल एंट्री हम लोगों ने किया उन सब के द्वारा उनका कैपिटल क्या हो रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम पार्टनर्स अपने सारे ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स और फर्म्स के बीच जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं लेन देन पार्टनर और फर्म के बीच में, वो सिंपली सारे कैपिटल अकाउंट में जब ऐड या लेस करता है, यानी कैपिटल अकाउंट में जब डेबिट या क्रेडिट करता है, यानी कि जो मेथड अभी हम लोगों ने सीखा जितना जर्नल एंट्री, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या कहते हैं इसको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जर्नल एंट्री अभी जो हम लोगों ने कॉपी में लिखा है, जैसा कि अमन ने भेजा है, देखो इस तरीके से कॉपी को शेयर करके भेजा है उसने, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इसको शेयर कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। हाँ, भेज दिए, देखो सब लोगों के पास चला गया। उसके टॉप पे एकदम हेडिंग दे दोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी अभी जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखा वो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो ये जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीखा ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का तरीका था। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी एक और तरीका। और कॉपी के नेक्स्ट हाफ में, यानी एक हाफ में जो अभी हम लोग जर्नल एंट्री लिखे उसके बगल में जो जगह छुड़वाए हैं वहां पे टॉप में एक हेडिंग दे दो और लिख दो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक बार मंजीत, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों जर्नल एंट्री को पढ़ो। तो पहला एंट्री क्या था?
तुम लिखे ही नहीं हो कॉपी में, तुम निहायती बेशरम हो। कैश और बैंक, चलो कैश अकाउंट डेबिट टू, पहले तो पहले नंबर वन क्या चीज का एंट्री हम लोग सीखे थे वो हेडिंग पर हो सर, हेडिंग था सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हर्षवर्धन तुम पढ़ो। यस सर, पहला एंट्री क्या था? फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। ये जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है कैश या कोई एसेट अपने बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में, तो जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज, जैसे कैश कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फर्म में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। किसके द्वारा आ रहा है, कौन दे रहा है, तो जो पार्टनर दे रहा है उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। उसके ठीक नेक्स्ट हाफ वाले साइड में लिखो, सेम एंट्री होगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी पार्टनर फॉलो कर रहा है तो उस केस में भी सेम एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, सेकंड नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? For the distribution of profit among partners. हाँ, तो for the distribution of profit among partners, सुरखाव क्या journal entry pass किए थे? PL appropriation account debit to A's capital to B's capital. यानी और अगर तीन partner है तो to C's capital भी हो जाएगा, ठीक। उसके सामने यानी आपके जहां पे आपने heading दिया fixed capital method page के next half में, वहां पर इसी का एंट्री लिखो। अगर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है, पार्टनर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो नहीं कर रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है, तब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, जैसे फ्लक्चुएटिंग में किए थे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पे अब ए के कैपिटल को क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि ए के लिए एक और अकाउंट ओपन करेंगे, कैपिटल के जैसा ही वो अकाउंट होगा लेकिन उसको हम नाम देंगे एज करेंट अकाउंट। क्या नाम देंगे? एज करेंट अकाउंट। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी पार्टनर को दे रहे हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो सब चीज पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बी करंट अकाउंट। बोलो किसको किसको डाउट है? कैपिटल के जगह पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पे? करंट अकाउंट। फिर पॉइंट नंबर थर्ड हम लोग पढ़े थे, एट द टाइम ऑफ सैलरी बिकम ड्यू, तो जब सैलरी ड्यू होगा या रेम्यूनरेशन ड्यू होगा या इंटरेस्ट ऑन कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू होगा, कुछ भी ड्यू होगा, तो उस वक्त फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या एंट्री पास किए थे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहां पर एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट। बोलो किसको किसको डाउट है? क्रिस्टिना डाउट है तो बोलो। चार नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका भी वही करेंगे जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करेंट टू बीस करेंट किए थे, यहां भी वही होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करेंट टू बीस करेंट। ये सब एंट्रीज कब पास कर रहे हैं? जब पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है। तो चौथा केस वहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करेंट टू बीस करेंट।
आप लोग इसका नोट्स पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पांचवा एक एंट्री बस बच गया है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपका कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड, जर्नल एंट्री एक्सप्लेनेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर लेजर में पोस्टिंग यानी लेजर बनाएंगे, यानी एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग टाइम अभी जैसे ही एंड होगा फिर से कनेक्ट कर लेना, उसको भी खत्म कर देंगे, एक एंट्री बचा हुआ है।